हम सभी काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि कैंसर एक बेहद जानलेवा बीमारी है और ये एक असाध्य बीमारी मानी जाती है। एक कैंसर के मरीज की जानलेवा दर्द का सामना करना पड़ता है, लेकिन कैंसर के मरीज को लेकर आपने एक बात गौर जरूर की होगी। कैंसर के मरीज के बाल काट दिए जाते हैं या जो कैंसर के मरीज होते हैं उनके सिर पर एक भी बाल नहीं होता। इसके अलावा आपने कुछ समय पहले बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे की एक फोटो भी देखी होगी जिसमें उनके सिर पर एक भी बाल नहीं था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैंसर के मरीज के साथ ऐसा क्यों होता है, मतलब उनके सिर के बाल क्यों काट दिए जाते हैं? ये सवाल कई लोगों के मन में आता है कि कैंसर के मरीज के बाल आखिर क्यों काट दिए जाते हैं। चलिए आपको बताते हैं आखिर ऐसा क्यों होता है। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है और इसका इलाज भी बहुत महंगा होता है। कैंसर के मरीजों को कई दवाओं का सेवन करना पड़ता है, साथ ही इन्हें दर्द से राहत दिलाने के लिए कई तरह के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। लेकिन इन दवाओं और इंजेक्शन का मरीज पर साइड इफेक्ट होता है और इसका सबसे ज़्यादा असर उनके बालों पर पड़ता है, जिससे उनके बाल झड़ जाते हैं। कैंसर के मरीज को ठीक करने के लिए उन्हें कीमोथेरेपी दी जाती है। कीमोथेरेपी के जरिए डॉक्टर कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करते हैं, लेकिन कीमोथेरेपी में जिस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है उसकी वजह से कैंसर के मरीज के बाल झड़ जाते हैं। इसके अलावा मरीज को इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी उनके बालों को काट दिया जाता है, साथ ही बाल झड़ने की समस्या कम करने के लिए स्केल्प कूलिंग की जाती है और इनमें बालों को पूरी तरह से काट दिया जाता है। लेकिन ये आपको बता दें कि इलाज के बाद बाल आ भी सकते हैं और नहीं भी आते हैं।